ये है ऑडी की RS7। बेसिकली ये एक स्पोर्ट मॉडल है A7 का। A7 में एक सॉरी S7 आता है और उसके बाद फिर RS7 का मॉडल आता है। तो A7 और S7 जो है वो तकरीबन सेम गाड़ियाँ हैं। S7 जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी मॉडल है, ये एक्सट्रीम स्पोर्टी मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंजन है वो सिर्फ RS मॉडल्स में ही आता है ऑडी के। तो ऑडी के यही मॉडल की फिलॉसफी है कि ए या क्यू से नाम शुरू होते हैं गाड़ियों के, जैसे A6, A5, A7, A8। उसी तरह अपनी जो जीप्स हैं उनकी उनका नाम क्यू से शुरू होता है, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8। फिर एस का मॉडल था कि वो स्पोर्ट मॉडल है, S7 या SQ7 या SQ8। और जो RS वाली लेटर्स होते हैं उसका मतलब है कि वो हाई एंड परफॉर्मेंस मॉडल्स हैं, जैसे ये है। तो इसमें जो इंजन है वो है एक 4000 cc का इंजन, V8 है और ट्विन टर्बोसंस में। और बेसिकली ये एक सिर्फ फैमिली कार नहीं है, ये बेसिकली एक फोर डोर स्पोर्ट्स कार है। क्योंकि ये जब आप इसका शेप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरी तरह से एक प्रॉपर फोर डोर गाड़ी नहीं है, ये एक कूपे शेप की गाड़ी है। यानी टू डोर स्पोर्ट्स कार की तरह का शेप है इसमें। और उसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये कि ये ज़्यादा एरोडायनामिक है, ये इसके जो रूफ़ है वो थोड़ी नीची है। आप देख सकते हैं इसके जो शीशे हैं वो काफ़ी हाइट में कम है, ठीक है, काफ़ी स्लीक हैं। तो ये एक नॉर्मल अगर आप फोटो गाड़ी देखें तो जैसे ये बेंटले है तो इसका भी शेप थोड़ा स्पोर्टी है, मगर इसके शीशे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो नए नए डिज़ाइन की आ रही हैं, तो इस तरह से अब फोर डोर स्पोर्ट्स कार्स भी आ रही हैं। ऑडी बनाता है, पोर्श बनाता है, BMW बनाता है और मर्सिडीज बनाता है। मर्सिडीज़ की भी जो गाड़ी है वो भी इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तकरीबन सेम इंजन है और बस हॉर्स पावर थोड़ी ज़्यादा है। और वो ये है AMG 63S। इसकी वीडियो अलग है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑडी की RS7। तो पहली चीज़ तो आप इसकी देखेंगे हेडलाइट्स कितनी ज़बरदस्त हैं इसकी। फिर इसकी जो ग्रिल है उसमें जो लोगो दिया हुआ है वो ब्लैक कलर का है, प्लस यहाँ पे एक और नया एयर इनटेक उन्होंने दिया हुआ है, ये पिछले मॉडल्स में नहीं होता था। यहाँ पे भी एयर इनटेक ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे जो फ्रंट स्प्लिटर है वो भी कार्बन फाइबर का है। व्हील्स में इसमें ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा एयरोडायनामिक हैं। और मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये कैसा खूबसूरत इंटीरियर है। ऑफकोर्स इसमें फुल डिजिटल डिस्प्ले है, अब एनालॉग सिस्टम तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए सब गाड़ियों में। इसमें जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल मगर स्पोर्ट सीट्स हैं, जो आपको नॉर्मल A7 या S7 में मिलेंगी वो नहीं है। और डिफरेंट कलर्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो इस वाला ये वाला ब्लू और ब्लैक इंटीरियर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे दो तरह की टच स्क्रीन्स हैं, मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ सही तरह से। बेसिकली हाँ, ये एक स्क्रीन है और दूसरी स्क्रीन ये है। तो बेसिकली ये वाली जो स्क्रीन है ये मेन स्क्रीन है, इसमें सारा वाइटल इन्फॉर्मेशन आता है सारी गाड़ी का, जो कि ड्राइवर फोन एक्सेस कर सकता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन है। देखा जाए तो दो स्क्रीन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है गाड़ियों में। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को देना जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है वो उसका ध्यान बटाता है ड्राइविंग से। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है और RS7 का लोगो भी RS का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पे। इस पर लेदर नहीं है, अल्कंटारा फिनिश है। और कुछ बटन्स भी आपके पास स्टीयरिंग व्हील पे, स्लाइडिंग नॉब भी है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए और एडिशनल फीचर्स, ताकि ड्राइवर को जो है वो गाड़ी चलाते हुए हाथ हटाना ना पड़े, वो डायरेक्ट जो है यहाँ से जैसे कॉल रिसीव करनी हो तो यहाँ से डायरेक्ट बटन दबाए और वो कॉल रिसीव हो जाएगी ड्राइविंग के दौरान। प्लस इसमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो है वो पेडल्स दिए हुए हैं, ये अब परफॉर्मेंस गाड़ियों में आने लगे हैं, काफ़ी कॉमन है। देख सकते हैं आप छोटा सा एक प्लस लगा हुआ है, ये वाला जब ड्राइवर खींचता है तो इसका मतलब है कि गियर आगे बढ़ेगा। यहाँ वाला नेगेटिव साइन है, जिसका मतलब वो खींचेगा तो गियर नीचे आएगा। तो
काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है और इतना ज़्यादा शुक्र है कि हेड स्पेस इसमें लूज़ नहीं हुई है ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड में, क्योंकि इसकी छत थोड़ी सी नीची है थोड़ा सा स्पोर्ट मॉडल देने के लिए, स्पोर्टी लुक देने के लिए। और अगर आप A7 लेंगे तो आपको यहाँ पे वुड मिलेगा, यहाँ पे कार्बन फाइबर है, इसमें एम्बियंस लाइट्स भी हैं अभी, और यहाँ पे भी जो है इन्होंने अल्कंटारा फिनिश दिया हुआ है लेदर की जगह। तो जब आप स्पोर्ट मॉडल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ स्पोर्ट होती है, सिर्फ एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर भी उसका उसी के हिसाब से होता है। यहाँ पे जब आप पीछे की तरफ देखते हैं तो सेम कॉम्बिनेशन है इंटीरियर का जैसे आगे है, बस ये कि पीछे वालों के लिए थोड़ा सा हेड स्पेस थोड़ी सी कम है क्योंकि इसकी डिज़ाइन ऐसा है गाड़ी का। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं, यहाँ पर आर्मरेस्ट भी है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 250 किलोमीटर पर आवर है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए लिमिटेड है। अगर आप परफॉर्मेंस मोड पैकेज लेंगे तो वो टॉप स्पीड आपको 300 से ज़्यादा की मिल जाएगी। टेल लाइट जो है इसमें, क्योंकि अभी दीवार है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मगर ये फुल एक पीस आ रहा है यहाँ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक, और एग्जॉस्ट पाइप मैं आपको सही तरह से दिखा नहीं सकता, शायद नज़र आ जाए थोड़ा सा, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट पाइप दिया हुआ है इसमें। इसके मुकाबले में अगर आप, पता नहीं लॉक है या नहीं, लॉक नहीं है, इसका इंटीरियर देखेंगे GT63S का तो वो भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी देखें आप हर तरफ कार्बन फाइबर और लेदर का कॉम दिया हुआ है। तो इसमें शुक्र है एक ही स्क्रीन दी हुई है इन्होंने। तो आपके ऊपर आप कौन से लेना चाहते हैं, दोनों में 400 cc इंजन है, ट्विन टर्बो हैं। जो मर्सिडीज़ है वो है तकरीबन 640 हॉर्स पावर की, जो RS7 है वो है 600 हॉर्स पावर की। हाइट वाइज अगर आप देखें तो ऑडी थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक है, ऑडी की हाइट भी और कम है, ऑडी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी भी लग रही है मर्सिडीज़ के मुकाबले में। BMW का जो मॉडल है वो बिल्कुल सेम टू सेम ये 8 सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है, बस ये गाड़ी है उसमें दो और दरवाजे पीछे होते हैं, तो फ्रंट उसका बिल्कुल सेम है, व्हील्स भी सेम है, तो वो 8 सीरीज़ ग्रैंड कूपे कहलाती है। ये वाली जो है खाली 8 सीरीज़ कूपे है, बल्कि ये M8 है, सॉरी। तो आप M8 कूपे ले सकते हैं या M8 ग्रैंड कूपे ले सकते हैं, 2 डोर्स या 4 डोर्स ऑप्शन हैं आपके पास। तो अगर आपको A7 में, अगर आपको या RS7 में आपको जो है वो 2 डोर चाहिए तो आपको फिर A5 मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, उसका आप RS5 मॉडल ले सकते हैं, तो वो इससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। और हाँ, इसका जो 2 डोर मॉडल है वो बेसिकली ये है AMG GT, ये वाला बल्कि है मॉडल GTR। उम्मीद है आप बहुत सारी गाड़ियाँ देख के कन्फ्यूज़ ना हो गए हों, तो जो भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस मर्सिडीज़ में और वाइट वाली मर्सिडीज़ में इंजन दोनों सेम है, 400 cc के हैं, ट्विन टर्बो गेट। तो आपको कैसी लगी ऑडी RS7 मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऑडी के और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पास मैं लिंक्स डालूँगा, जो भी गाड़ी आपको ऑडी की देखनी है उसकी उसकी लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा।